हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये है विचर 3। आपने बोला था विचर 3 के ऊपर रिव्यू करो अपने एसोस कैफे 15 में खेल कर दिखाओ उसे। तो गाइस, वीडियो हाजिर है। परफॉर्मेंस के लिए मैंने MSI अफ्तर बना लगा दिया है साइड में, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लैपटॉप की GDP हम डिफॉल्ट के ऊपर खेल रहे हैं, इसे मैंने इसे कम नहीं किया है इस बार, तो आप टेम्परेचर वहाँ पर हाई देख सकते हैं। और इस गेम की मैं सेटिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ आगे जाके, तो उसके लिए भी बने रहेगा। वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर तब भी आपको आइडिया लगेगा ये गेम आपके लैपटॉप में कैसा चलेगा अगर आपके पास एसुस का F15 है। तो फटाफट से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में जो भी सवाल है पूछ सकते हो यार। जाओ फटाफट और वीडियो को शुरू कर लेते हैं अपन। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेम हमारा चालू हो चुका है। अब मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ उसकी। ग्राफिक, वीडियो के अंदर जाना पड़ेगा ग्राफिक, ठीक है। ग्राफिक हम इसको हम प्रीसेट पर ही चलाने की कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं क्या हिसाब रहता है, फिर बढ़ाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप की GDP मैंने डिफ़ॉल्ट पर ही चला रहा हूँ, मैंने इसे कम नहीं किया बिल्कुल भी। तो आप वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही देखेंगे आज। और गर्मी, आपको पता है गर्मी के क्या हाल है यहाँ पर। तो गाइज, ये गेम वैसे मैंने पहले खेल रखा है, तो मेरे को थोड़ा सा इसके मैकेनिकल्स याद है, मतलब कैसे खेलते हैं, कंट्रोल वगैरह मुझे सब पता है इस गेम के। तो मैं थोड़ा सा ही खेलूँगा इस वीडियो को, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यार पर्सनली बताऊँ ना, फ्रेंकली ये गेम मुझे इतना खास नहीं लगता है बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोगों को लग सकता है, ये मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये गेम को खेलकर मुझे उतनी किक नहीं मिलती जितने मुझे बाकी गेम्स को मिलती है खेलकर। तो वो भाई, ये मैं गलत, ये मेरा ओपिनियन है, तो आपका कुछ और भी हो सकता है, आपका ये गेम फेवरेट भी हो सकता है। तो भाई ऑफेंस मत होना, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ बस, कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे मज़ा नहीं आता तो आपको भी नहीं आएगा। और आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, खेल कर देखो इस गेम को। मतलब लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये गेम मतलब उस टक्कर का, अपना क्या बोलते हैं उसे, RDR2 या 2 के टक्कर का गेम है ये। तो हो सकता है भाई उन्हें कुछ दिखा होगा तभी बोला होगा ऐसा, पर मेरे ओपिनियन में भाई मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आता इस गेम में, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। एनीवेज गाइस, तो आप परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, हमारे को 70 FPS मिल रहे हैं और 70+ FPS भी मिल रहे हैं कभी कभी अपने प्रीसेट सेटिंग। तो गाइस, कहीं ना कहीं गेम काफ़ी ऑप्टिमाइज है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है इसके अंदर। 99% आपका GPU पूरा यूज़ हो रहा है, और वो आपको दिखता भी वीडियो के अंदर, क्योंकि ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं गेम के। इस बात से मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकता, ग्राफिक बहुत अच्छे हैं इस गेम के, और परफॉर्मेंस आपको 70 मिल रही है प्रीसेट सेटिंग पे, जो कि अच्छी है। मीडियम और हाई का मिक्सचर रहता है प्रीसेट के अंदर, ज़्यादातर गेमों में मैंने यही देखा है। और गाइस, आपको बता दूं मैं कि ये गेम मैंने स्टीम से ख़रीदा था जब सेल चल रही थी, शायद 200 रुपये में मैंने इस गेम को ख़रीदा था। ये विचर 3 गेम ऑफ द ईयर वाला एडिशन है, और मैंने इसे ख़रीदा था, कुछ दिन खेला, 2-3 दिन खेला, फिर मैंने इसे वो अनइंस्टॉल कर दिया वापस, तो क्योंकि यार मेरे को इतना मज़ा नहीं आया था, तो मैंने इसे हटा दिया था। फिर आप लोगों से मैंने पूछा था पोल डाल करके, आपको देखना है क्या इस गेम के ऊपर वीडियो, तो फिर मैंने वापस से इसे इंस्टॉल किया, फिर वीडियो बनाई इसके ऊपर। तो भाई उस मेहनत के लिए लाइक कर देना वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर देना। और आपकी जो भी सवाल है आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, नीचे जो भी क्वेरीज है, नेक्स्ट कौन सा गेम देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हो। वैसे मेरे पास अभी कौन सा गेम मैं आपसे पूछने वाला था कि आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रीमास्टर एडिशन पे चाहिए क्या वीडियो, तो बताना मुझे कमेंट के अंदर। पोल भी डाला है मैंने, उसके अंदर भी बता सकते हो जाकर, और वीडियो के अंदर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे गेम काफ़ी अच्छा है, RDR2 अगर आप खेलते हैं तो उससे थोड़ा मिलता जुलता गेम है ये RDR2। वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ओपन वर्ल्ड गेम है, और ये भी ओपन वर्ल्ड है, पर उसमें आप ज़्यादा कुछ कर सकते हो, लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो किसी से भी। यहाँ पर आप किसी से लड़ने खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको 2 सेकंड के अंदर धूल चटा देंगे लोग, मतलब खतरनाक है, आप कुछ कर नहीं सकते। एनीवेज गाइस, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।